अब मैं आखिर में दुआया कलाम के लिए गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना आगा गुलाम रसूल कश्मीरी से वो तशरीफ लाएं और दुआया फिक्रों से इस महफिल को इख्तिताम तक पहुँचाएं। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها سيما على مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد حقيقة الحمد لله शोराए हजरात ने और आप हजरात ने जो अकीदत के फूल रोए और हमारे सामने अशआर की सूरत में पेश किए ये असल में फ़लसफ़े इमामत है। हकीकतन अगर आप फ़लसफ़े इमामत को महसूस करेंगे फ़लसफ़े इमामत यही है। शायर का क्या काम है जो दूर इधर उधर फैले हुए होते हैं उनको जमा करना और एक धागे में परोना और यही इमामत है। इसीलिए कहा गया अल इमामतु निजामुल उम्मा। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह 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 इमामत वो धागा है जिसमें उम्मत के दानों को पिरोया जाता है। यही राज है जिनको इमामत नहीं मिली वो ऐसे बिखर गए। से बिखर गए कभी इलेक्शन के पीछे कभी सिलेक्शन के पीछे कभी नॉमिनेशन के पीछे मगर जिनके हाथों में इमामत का दामन आया जनाब इब्राहिम ने आवाज दी वमिन ज़ुर्रियती परवरदिगार मैं नबुवत नहीं मांगूंगा रिसालत तो मैं नहीं मांगूंगा अपनी ज़ुर्रियत के लिए मैं इमामत को अपनी ज़ुर्रियत के लिए मांग रहा हूँ ताकि इमामत ता क़याम क़यामत बाकी रहने वाली है। एक सलावत भेजिए महाराज जसारत कर रहा हूँ अदब दानों के दरमियान बेअदब का बोलना एक जसारती तो है मगर जो आपने अब तक ये शेर में पेश किया जलवे बहरहाल मैं शेर नहीं पढ़ सकता भाई मैं शायर तो हूँ नहीं मैं क्या करूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिसरा आपके सामने है साबित यही हुआ घर में किसके जलवे हैं इमामत के जलवे कभी साबित तो होने दीजिए जलवे इमामत के हैं कि नहीं कहाँ पर जलवे ये जलवे कैसे अजीजाने गिरामी यही राज है हमें इमामत को समझना है। अगर इमाम अव्वल को देखिए जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम तो जब अली के जलवे सामने आ गए कैसा चमका आफताबी इमामत जब सरकार खत्मी मर्तबत ने अपने दस्ते मुबारक बलबान किया फरमाया मनकुंद मौला फहाजा अली मौला हमारे जवान को इस बात की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए नबी ने अबू तालिब के बेटे के बारे में नहीं फरमाया ये न समझिए ये जनाब पैगंबर ने अबू तालिब के बेटे के बारे में फरमाया मन कुंद मौला फहाजा अली मौला नहीं जिस तरह पैगंबर ने फरमाया अवलना मोहम्मद आखरना मोहम्मद औसतना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद जब सब मोहम्मद हैं तो सब अली हैं। अब जब पैगंबर ने फरमाया मन कुंद मौला फहाजा अली मौला जिसका जिसका मैं मौला उसके उसके मौला अली हैं अबू तालिब के सिर्फ बेटे नहीं चाहे गदीर का अली हो चाहे बाजार शाम का अली हो चाहे मैं सुरमे राज में अली नकी की जात मुकद्दस हो बहरहाल हर इमाम अली है लिहाजा हर इमाम के जलवे हैं। तो मौलाए कायनात का जलवा जब हम देखेंगे तो मौलाए कायनात आफताबी इमामत ने अपने जलवों से उन मोतियों को मोती बना दिया अगर सलमान फारसी था उसको सलमान मोहम्मदी बनाया। वाह अरे जलवे ऐसे हैं इमामत के
ऐसे हैं अस्करी जलवे, ऐसे हैं इमाम के जलवे कि सलमान को सलमान बना दिया। मुझे माफ करें शोरा हजरत, इन बातों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। मैंने इसीलिए अर्ज किया, आपका मर्तबा बुलंद है, बहुत बुलंद है, इसलिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह अशआर को पिरोया और एक जगह जमा किया, लिहाजा इमामत की भी जिम्मेदारी है। तो परवरदिगार आलम से जब जनाब इब्राहिम ने इमामत की दुआ की, मैं फलसफा बयान नहीं करूंगा क्यों इमामत की दुआ की, मगर एक जुमला तो पूछूंगा, ए इब्राहिम ये बता दे, अगर मांगना है तो नबुवत मांगते, अगर मांगना है रिसालत मांगते? इसलिए दुनिया कहती है नबुवत अफजल, इसलिए नबुवत अफजल, रिसालत अफजल। तो जनाब इब्राहिम ने जवाब दिया, आवाज दी, सुनो नबुवत खत्म होने वाली, रिसालत खत्म होने वाली, जो चीज खत्म होने वाली है मैं मांग के करूं क्या? एक सलावत तो भेजे पर मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो जुमले सुन लीजिए, बाहर हर मैं आपको जहमत दे रहा हूं, मगर बुलंद आवाज से सलावात भेजिए मोहम्मद। बहरहाल मैंने सुना है आपकी मेहमान नवाजी का हाल और आपका हुस्न सुलूक का हाल, मैं भी आज आपका मेहमान ही बन के आया हूँ। बहरहाल अजीजाने ग्रामी, तो जनाब इब्राहिम ने क्यों मांगा इमामत? कहा इमामत इसलिए मांगता हूँ, नबुवत खत्म होने वाली, रिसालत खत्म होने वाली और इमामत बाकी रहने वाली। अच्छा, जब इमामत बाकी रहने वाली है तो जो चीज खत्म होने वाली होती है उसकी नयाबत नहीं होती है, जो चीज खत्म होने वाली होती है उसकी जानशीनी नहीं होती है। तुम मुतवज्जा रहिए मैं क्या अर्ज करने जा रहा हूं। जो चीज खत्म होने वाली है, बताइए अगर कोई कॉलेज बंद हो जाए तो क्या आप वाइस प्रिंसिपल को ढूंढेंगे? नहीं, अगर कॉलेज चल रहा है, प्रिंसिपल छुट्टी पर चला जाए तो नायब की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर नबुवत खत्म, नयाबत का क्या सवाल? वाह। अगर रिसालत खत्म तो नयाबत का क्या सवाल? तो अली अगर रिसालत का काम अंजाम देंगे या अलग से कोई काम होगा, मनसब कुछ और है। वाह। अगर नबी की वो अहकाम बयान करेंगे अली, तो यह कोई और बड़ा इजाफी काम होगा, मनसब का काम नहीं होगा। तो इमामत क्या है, इमामत की हकीकत क्या है? इसीलिए मुझे अर्ज करने दीजिए अजीजाने गिरामी, जो चीज खत्म होने वाली होती है उसकी नयाबत नहीं, जो चीज बाकी रहने वाली होती है उसी की नयाबत है। अब मुझे कहने दीजिए इमाम अव्वल सरवर कायनात हैं कि नहीं? इसलिए जब इब्राहिम इमाम है तो हमारे नबी भी तो इमाम है। फर्क यह है, इब्राहिम की इमामत लिलनास लोगों तक महदूद थी। इब्राहिम की इमामत महदूद थी लोगों के तक, इसलिए कि यह इमामत का बचपना था। लेकिन जब इमामत में शबाब आ गया, जब इमामत ने जवानी की मंजिलों में कदम रखा और हमारे नबी के पास इमामत आई, तो हमारे नबी सिर्फ लोगों के इमाम नहीं, कायनात के इमाम है, इमामुल अंबिया हैं। अब अगर नबी ऐलान करेंगे मन कुंत मौला फहाजा अलियन मौला, ये नयाबत का मसला नहीं, नबुवत की नयाबत का ऐलान नहीं, रिसालत की नयाबत का ऐलान नहीं, बल्कि तसलसुले इमामत का ऐलान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद मोहम्मद। इमामत का वसायत का मसला नहीं, अरे जाने दीजिए, फिर अली अलैहिस्सलाम कुछ और काम करेंगे, मगर इमामत का क्या काम है? मैंने अर्ज किया था इमामत का काम यही है, जैसे आफ्ताब अव्वल, इमाम अव्वल ने अपने जलवे छोड़े और अपने जलवों को जाहिर किया, सलमान बना दिया, अबू ज़र बना दिया। अब मेरा सवाल है शोरा हजरात से भी, बुजुर्गों से भी, अपने दोस्तों से भी, अगर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन इमाम अव्वल अपने जलवों के जरिए सलमान को सलमान बना रहे थे, अबूजर को अबूजर बना रहे थे, मिक्दार को मिक्दार बना रहे थे, बताइए आज अगर आफताबी इमामत है, वाह 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 वाह,
توجہ نہیں فرمائے میرے عزیزوں نے. بہرحال زحمت دے رہا ہوں آپ کو, دو جملے زیادہ عرض نہیں کروں گا. ایک صلوات بھیجے پر محمد اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بتائیے آج اگر آفتاب امامت پردے میں ہے تو وہ سلمان بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر جلوے نہیں ہیں تو امامت کا فائدہ کیا؟ نیابت کا مسئلہ نہیں, یہ جلووں کا مسئلہ ہے. جلوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج چمکتا ہے, کرن پھینکتا ہے, جب آئینہ سامنے رکھیے گا کرن نکلے گی کہ نہیں؟ وہاں تو اصلی ہے, یہاں پر اس کا عکس ہے. بس توجہ دنیا کا ایک جملہ, اگر جناب امیر المومنین نے اپنے جلووں سے اپنے زمانے میں سلمان بنایا, مقداد بنایا, ابو ذر بنایا, آج کا آفتاب امامت پردہ غیب میں رہ کے جلوے پھینک رہے ہیں, کسی کو سیستانی بنا رہے ہیں. جلوے ہیں, اگر آپ کو جلوے دیکھ رہے ہیں تو ان ذوات مقدسہ میں دیکھیے, ان ذوات مقدسہ میں دیکھیے جن پر امام کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں. تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں, مگر بہرحال آپ بھی ادھر ادھر کبھی گئے, کبھی کربلا کی طرف گئے, کبھی ادھر گئے, اگر شعرا بھی ادھر ادھر جا سکتے ہیں, میں بھی ایک جملے میں ادھر ادھر جا ہی سکتا ہوں, اگرچہ آپ کو زحمت ہی ہو جائے گی. سنیے, یہ جلوے ہیں کہ نہیں, کہاں پر جلوے ہیں, یہ ہاتھ کہاں پر ہے, یہ کرن کہاں پر ہے, یہ تجلی کہاں پر ہے. مختصر کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, لہذا شورا حضرات کی ذمہ داری ہے. اپنے کلام سے دوسروں کو بلائیے. واہ 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 واہ, اس لیے آپ کا کام ہے پیرونا جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو جمع کر. میں نے عرض کیا نا, الامامۃ نظام الامہ, علی فرماتے ہیں امامت وہ دھاگا ہے جس میں 100 دانے تسبیح کے پروئے جاتے ہیں, تب تک بکھرے رہتے ہیں, ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جمع کیا جاتا ہے, تسبیح بن جاتی ہے نا. تو آپ اپنے شعروں کے ذریعے وہی گلہ عقیدت کو جمع کرتے ہیں, تو آپ کا کام ہے دوسروں کو بلانا. اور علی کی ولایت اور امام زمانہ کی امامت کے سائے میں ایک جگہ جمع کرنا, ایسا نہ ہو اپنی قوم کا شیرازہ بکھر جائے. واہ 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 واہ. تو علی کو کیا جواب دیجیے گا, امام حسن کو کیا جواب دیجیے گا؟ میں نے بس مختصر عزیزان گرامی, مگر یہ ہاتھ کون کہاں ہے, یہ کہاں پر ہے, کون ہم کو سنبھالے گا؟ استاد محترم سرکار شمیم الملت دام ذل آل تشریف فرما ہیں. جب ہم لوگ طالب علم تھے اس وقت ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جو کہا جاتا تھا قوانین الاصول. بہرحال پتہ نہیں آج بہرحال اس کو مترو کیا گیا ہے, کیا کیا گیا, قوانین الاصول بڑی اہم کتاب سے اصول فقہ میں, اور اس کے جو مؤلف ہیں مصنف ہیں حضرت مرزائی قمی. توجہ سے سنیے گا, بس یہ پیغام ہو شاید میرے لیے کامیابی ہوگی. تو مرزائی قمی اللہ اکبر, اپنے زمانے کے وہی سلمان, اپنے زمانے کے ابو ذر, اپنے زمانے کے مقداد ہیں کہ نہیں؟ ارے ممکن ہے کسی جوان کے ذہن پر میری بات بار ہو جائے جو یہ میں نے کہا یہ اپنے زمانے کا سلمان ہے, ممکن ہے بار ہو جائے, ہو سکتی ہے بار, مگر سرکار ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا, اپنے اصحاب سے پوچھا, دیکھیں اس میں سلمان بھی ہیں, اس میں ابو ذر بھی ہیں, اس میں مقداد بھی ہیں, سب ہیں اس میں موجود, اور وہ بھی ہیں جن کا ظرف چھوٹا تھا, لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ میرا اصول ہے, جب تک دوسرے کے مکان کا ذکر کیجئے تب تک اپنے مکان میں ایک اور منزل بنا دیجئے. واہ واہ,
खुद ही थक के रह जाएगा। जब तक हम उन कमजोरों की बात करें तब तक क्यों ना फजाइल की इमारत को ऊपर ले जाए। फजाइल की इमारत को ले जाए जहाँ उनकी इमारतें दबती जाएंगी। हुजूर तब अंबिया का ईमान का उन पर मलाइक नाजिल होते हैं वही आती है तो ताज्जुब क्या का हुजूर तब हमारा ईमान का तुम्हारा ईमान तुम मुझको देख के ईमान लाए। सलमान देख के ईमान लाया अबूजर देख के ईमान लाए कि नहीं तवज्जो सुनिएगा। तुमने जो कुछ लिया देख के लिया इसलिए अभी बादल का पर्दा नहीं था। का हुजूर फिर किसका ईमान काबिल कद्र और काबिल ताज्जुब का आने वाले जमाने का जब हुज्जत पर्दे में हो। वाह 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 जब हुज्जत पर्दे में हो इसलिए जब आफ्ताब सामने हो कौन इनकार कर सकता है अंधा ही करेगा। पर्दे में आफ्ताब इमामत हो और आप जलवे हासिल करें ये कमाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सलमान मुहम्मदी मेरा सलाम मगर नबी सामने थे अली सामने थे मगर आज के जमाने का सलमान जो नाइबीनी इमाम है जो अलमाए आलाम है उनका ईमान बस मुख्तसर बहरहाल अजीज जाने गिरा में अर्ज करता है मिर्ज़ा कुम्मी आलल्लाह मकामा और उनकी कब्र पर एक आदमी रो रहा था किसी ने पूछा बोलो क्यों रहे। अरे साहब क्या बताए बड़ा जखीरा हाथ से चला गया बहुत बड़ा सरमाया। अरे मुख्तसर कुछ तो बता। कहा मैं हज पर जा रहा था। भाई देखिए मेरी आदत यह है मैं खुद रिसर्च करता हूँ आप भी रिसर्च कीजिए ये जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने। अगर बात पसंद न हो आप आइए इख्तलाफ राय तो हो सकता है मगर इंतजार नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ कीजिए आइए बात करें मेरी बात सुन लीजिए आप अपनी बात सुनाइए मगर इजाजत नहीं है कौम में इंतजार पैदा कर देगा। लड़ाई न कीजिए झगड़ा न कीजिए किसी की इज्जत जाया न कीजिए। नहीं आइए बात करें बैठे लहजा मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरी रिसर्च है और अगर कोई इसके मुकाबले में कोई रिसर्च लाए तो लाए। तो मिर्ज़ा कुम्मे के जमाने में ये शख्स रो रहा है क्यों रो रहा है। अरे अल्लाह ने मुझको हज नसीब किया था अब मैं चला हज पर। जैसे ही मैं हज पर चला और मेरे साथ 700 दिरहम उस वक्त 712 रुपया मेरे साथ थे मैंने एक थैली में रखा और आबी जहाज थे मैं जहाज में बैठ गया सफर पर जा रहा था। जब मैं सफर पर जा रहा था पैसा आबी जहाज में था। एक मरतबा मैं इस आबी जहाज के नीचे निचले वाले तबके में आ गया और मैंने देखा मैं देखो मेरा पैसा सही सलामत है कि नहीं। अब निकाला देखने लगा मैं गिनता रहा बस अब जो बने कहाँ सब ठीक है लेकिन एक आदमी देख रहा था है ना पूरा उसने देखा गिन के रखा पैसा कितना है थैली कैसी है उस पर गिरा कैसी है। अब इसने भी जेब में रख दिया वो ऊपर चला गया। अब जब ऊपर चला गया ऊपर दूसरे तबके में शोरगुल हुआ इन्होंने कहा हम देखें बात क्या है। अब जब वहां पहुंचे कहा बात क्या है। अरे बात कुछ नहीं भाई उस आदमी को देख रहा कहा हाँ कहा इसकी थैली गुम हो गई है। ऊपर जाके उसने ऐलान किया मेरी थैली गुम। इसने जो देख रहा था मुतवज्जह है कि नहीं। वाह अच्छा इसने ऐलान किया कहा रंग कैसा कहा रंग ऐसा कहा गिरा कैसी थी कहा गिरा ऐसी कहा अच्छा बाकी कह इतना है इतना है। अरे इन्होंने कहा छोड़ ये तो देख ही रहा था अब मुसीबत आ गई। कहा अब क्या हुआ का सर शुरू हो गया अब तलाशी शुरू अब जिसके पास निकलेगा पुलिस वालों ने ऐलान किया उसको समंदर में डाल दिया जाए। ये सोचने लगे हाजी साहब पैसा तो गया अब जान भी गई है अब क्या करे अल्हम्दुलिल्लाह क्या करे परेशान कह रहे पैसा भी जाएगा और अपनी जान भी अब उसको समंदर में डाल दिया जाए। लहजा इज्जत बचाने के लिए एक मरतबा थैली को हाथ में रखा सब समुद्र जहाज की खिड़की पर आ गए समंदर की तरफ निगाह है आवाज दी मौला या अली तवज्जो सुनिएगा इमाम तर्ज कर रहा हूं या अली मेरी इज्जत भी खतरे में है मेरी जान भी खतरे में। लहजा थैली को फौरन समंदर में फेंक दिया।
कहा या अली अमानत रखता हूं आपके पास, बख्शता नहीं, मैं वापस लूंगा। वाह, अरे फेंका समंदर में। वाह 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 वाह, समंदर में फेंक दिया और कह रहे मैं अली से ले लूं। कहा ईमान हो तो ऐसा, थैली समंदर में, जब थैली समंदर में चली गई, ये भी आ गया, आराम से बैठ गया, क्या परेशानी, इत्मीनान है, मैंने समंदर में नहीं फेंक दी, मैंने अली के हवाले की, मैंने मौला के हवाले की। तवज्जो सुनिएगा, अली ने सलमान बनाया किसी को नहीं। अजीज जो बहरहाल फरमाते हैं, अब सर्च चला, तलाशी हुई, बहरहाल अब उसके पास नहीं मिला, अब उसके साथ क्या किया मुझे उससे बहस नहीं। ये फरमाते हैं, इसी दौरान मैं पहुंचा जिद्दा, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, आखिर किसी तरह से मैंने हज किया, हज करते करते मैंने ख्याल किया कि मेरी अमानत मौला अली के पास है, लिहाजा चलो नजफ आए। नजफ जब नजफ आए और एक मरतबा जनाब मौला अली सलात वसलाम की कब्र मुबारक के जरिए पकड़ के आवाज दी, मौला अमानत दीजिए, मौला अमानत दीजिए, मेरे हवाले मैंने आपको अमानत दी है। आ गए और सो गए, जैसे सो गए ख्वाब में मौला तशरीफ लाए, कहा सुनो तुम्हारी अमानत हमारे पास है, मगर जमाने गैबत में हम खुद नहीं देते। फिर कहा कुछ हाथ हैं जो हमारे अमानतदार हैं, वहां मिलेगी थैली नजब में नहीं मिलेगी। कहा मौला कहां, कहा कुम जाओ मिर्जा कुम्मी के पास मिलेगी, अबुल कासिम कुम्मी मिर्जा कुम्मी के पास मिलेगी थैली, वहां जाओ। ये बेदार हो गए, कहा मैं न जानता हूं मिर्जा कुम्मी, न जानता हूं कुम कहां है, परेशान हो गए। फिर आए, फिर रोने लगे, मौला मेरी अमानत, मेरी अमानत, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं वरना वाकई बड़ी तफसील से। बहरहाल फिर ख्वाब देखा, मौला ने कहा मैंने एक बार तो कह दिया अमानत हमारे पास है, मगर जमाने गैबत में कुछ हाथ हमारे अमानतदार होते हैं, वहां जाओ। फिर आया, फिर गड़गड़ाया, अरे मौला मैं कहां जाऊं, मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास पैसा भी नहीं। ख्वाब में मौला तशरीफ लाया, कहा सुनो किराया हम देंगे, किराया का हम इंतजाम करेंगे, कौन जाओ थैली वहां मिलेगी। तो अजीजाने ग्रामी कहा हजूर कहां किराया मिलेगा, कहा सुबह सवेरे पहले दूध बेचने वाले के पास जाओ, कहना कि मुझे भेजा है लिहाजा 20 रुपया दे दीजिए आप। ये सुबह सवेरे उठ गए, दूध भेजा, अरे ला ला 20 रुपया, अरे किसने भेजा, कहा मौला ने भेजा, कहा मुझको ख्वाब में बशारत मिली है। 20 रुपया 20 दिनार लेके चला, हम जा रहा है, जा रहा है कुम, जा रहा है कुम, जा रहा है, पहुंचा कुम, कुम में कौन है, वक्त का सलमान है। जब वहां पहुंचे जिस पर जलवे थे, इमामत के जलवे हासिल कीजिए, इंशाल्लाह आपको जलवे हासिल हो जाएंगे, मगर हमको कहां मिलेंगे। जैसे मिर्जा कुम्मी के दरबार के पास पहुंचे, वहां उलमा का तरीका यह है, नमाज पढ़ते हैं जोहर की, थोड़ी रोटी खाते हैं, उसके बाद थोड़ा कैलुला करते हैं, आगा बस चले गए, रोटी खाने के बाद अब सोने लगे, कैलुला करने लगे। लिहाजा खादिम ने रोका, कहा किसको तलाश कर रहे हो, मिर्जा कुम्मी को, करे वो सो रहे हैं, करे मैं क्या जानूंगा सोने सो रहे हैं, मैं इतना परेशान हूं, करे क्यों भाई मुझे छोड़ो, मैं आगा के पास जाना चाहता हूं, रुक जा। अंदर आवाज गई, बस अजीज जाने गिरा में मिर्जा कुम्मी ने आवाज सुनी, वहीं से आवाज लगाई, कहा ए फुलानी रुक जा, मैं तेरी अमानत लेके आ रहा हूं, मैं तेरी अमानत लेके आ रहा हूं। कैसे कैसे सरपरस्त है हमारे, हम यतीम नहीं है भाई, ये जलवे हैं, यतीम नहीं है हमारे, हाँ हमारे सरों पर सरपरस्त है। चनाचे वो फरमाते हैं मिर्जा कुम्मी थैले लेके आए, फरमाते हैं मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं, मुझे अमानत मिली, थैली वही थी, वही थी जो मैंने फेंक दी थी। कैसे पहुंची मौला के पास, कैसे पहुंचा देश अमानतदार के पास। बस अजीजाने गिरामी यही जलवे हैं कि नहीं, हम खुशनसीब हैं, मुझे हक है, मैं पढ़ूंगा बस एक ही जुमला, अजीजाने गिरामी मुझे याद है यही जलवे, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के जमाने में, इमाम जावर सादिक अलैहि सलाम के जमाने में, इमाम के खास शागिर्द थे मुफज्जल, वो रास्ते से जा रहे थे, दो शिया आपस में लड़ रहे थे, रिश्तेदार दो थे, वो आपस में लड़ रहे हैं, लड़ क्यों रहे हो, अरे पैसे पर, अरे कितना पैसा है,
वो कहता है कि बस मैं 400 है, वो कहता है कुछ नहीं है। आखिर मुफज्जल ने कहा लाडो नहीं है, बता कितना का, 400 का मैं दे दूंगा। लड़ वो रहे हैं, कहा मैं दे दूंगा। मुफज्जल ने 400 रुपये दे दिया और लड़ाई को खत्म, कहा शुरू करो। कहा अच्छा मुफज्जल बड़ा एहसान है, तुमने हमको पैसा दे के लड़ाई को रुकवा दिया। कहा ये मेरा एहसान नहीं, ये इमाम का पैसा है, इमाम ने इसलिए मेरे पास पैसा रखा है ताकि शिया आपस में न लड़े। तो इमाम पैसा खर्च करते हैं हम आपस में न लड़े। अब बताइए, अब अगर कोई ऐसी बात करे जो लड़ाने वाली हो, क्या वो इमामत को मानता है, क्या इकामत को समझ? बस जहमत तमाम। लिहाजा ये तजल्ली मैंने देखी, मुझे फख्र में पढ़ूंगा, मुझे बहरहाल एहसास है शायद मुझे नाराज हो जाएंगे उस्तादी मोहतरम, मगर पढ़ूंगा। यही वाक्य हुआ 1983 में। 1983 में जब सरकार सफरुल मिल्लत आलल्लाह मकामा इस दुनिया से चले गए, रहलत फरमा गए, उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम सरकारी शबीब में तशरीफ फरमाते। उस जमाने में बॉम्बे में आगाए मौसवी थे। मेरे लिए ये एक जुमला लाहे अमल है, बस मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ और आपकी जहमत तमाम। अजीजो उस आगाए मौसवी वहाँ बॉम्बे में थे, उनका काम था बहर उस जमाने मस्जिदें बनवाते थे, मदरसे बनवाते थे, क्या क्या मदद लोग करते थे उस जमाने में। मगर बहरहाल यहाँ इस आजमगढ़ वागा इलाके से अगर कोई जाता था वो सरकारी शबीब में लटका उस पर तस्दीक करके ले जाता था, तस्दीक करके ले जाता था, तस्दीक जब करते थे। और बहरहाल एक ऐसा ही केस था किसी इमामबाड़े का, शाह हुजूर ने लिखा था उस पर, लिहाजा आगाए मौसवी ने कुछ पैसा दिया था। अब उसने किसमें खर्च किया? बहरहाल आप तो जानते हैं दो तरह के इमामबाड़े होते हैं, एक तो सदर इमामबाड़ा जो अमूमी होता है, घर में इमामबाड़ा होता है। उसने वो पैसा खर्च किया अपने इमामबाड़े पर। अब जब लोगों को पता चला रहे मौसवी साहब के यहाँ से पैसा लाए और लगाए अपने घर में, लिहाजा बहरहाल फरियादी बन के सरकार के पास आए, सरकारी शबी मिल्लत के पास आए। ये तजल्ली देख ली मैंने, उसी दिन मैंने ये तजल्ली देखी। अजीजों उसने इतना ही कहा, आप लिख दीजिए इसने खयानत की है, खयानत की है। कह रहे सुनो, अगर तुम 50 घर एक तरफ हो, उसके साथ भी तो 10 आदमी हूं, अगर मैं लिख दूंगा लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जंगो जदाल होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन? ये जुमले हैं सरकारी शमीमिल मिल्लत ने फरमाया, सुनो लड़ाई न करो, मैं बाद में देखूंगा, मैं अपने जेब से पैसा देता हूं, मगर आपस में लड़ो नहीं। ये हमारे लिए लाहे अमल है। लिहाजा हसन रजा को मुबारकबादी है, वाकिन सरकारी शमीमिल मिल्लत जैसी शख्सियत घर में हो, ये हसन अस्करी के जलवे तो है और कुछ नहीं। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले।